हेलो टेलियर्स, कैसे आप सब लोग दोस्तों। अभी मैं आपको रेगुलर वीडियो दूंगा, रेगुलर बेसिस पे आपको एक एक वीडियो मिलेगी और आगे चल के मैं आपको डेली के दो दो वीडियो दूंगा हर एक सब्जेक्ट में दोस्तों, तो आप साथ बने रहिए। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट का सिलेबस बताने वाला हूं, सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस, जो कि आपको सेकेंड सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ाया जाता है, कैसे कैसे पढ़ना रहता है दोस्तों। मेनली आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि एकदम यहाँ ग्रास लेवल मतलब एकदम रूट से पढ़ाया जाता है बेसिक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, अगर आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ्स वगैरह चाहिए, ई बुक्स चाहिए दोस्तों, तो उसको रिलेटेड एक छोटा सा सरप्राइज है जो कि आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा। तो बिना देर के वीडियो शुरू करते हो और कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे फूड एंड बेवरेज का सेकेंड सेमेस्टर का थ्योरी पार्ट्स बताने वाला हूं। तो यहां से आप ये सब मार्किंग स्कीम से देख सकते हैं कि कैसे कैसे मार्क्स किया जाता है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो नीचे चलते हैं जहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव आता है एंड देन टॉपिक्स आते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, यहां से आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनू एंड प्रिंसिपल ऑफ मेनू प्लानिंग। इसमें आपको ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव यह रहेगा कि कितने टाइप्स के मेनूज़ रहते हैं, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में हर देश में अलग अलग मेनूज़ रहते हैं और उनके प्रिंसिपल्स क्या रहते हैं, मेनू प्लानिंग करने के प्रिंसिपल वो समझ में आएगा। सीक्वेंस एंड कोर्स इन फ्रेंच क्लासिकल मेनू, जो सीक्वेंस रहता है और कोर्स रहता है जो कि फ्रेंच क्लासिकल मेनू में रहता है, उसको आइडेंटिफाई करना, फिर से जनरल कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना, ये सब इस मतलब सिलेबस में आपको पढ़ाया जाएगा, सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। टाइप्स, स्टोरेज एंड सर्विस ऑफ टोबैको नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको टाइप्स पढ़ाया जाएगा, स्टोरेज पढ़ाया जाएगा और सर्विस पढ़ाया जाएगा टोबैको और जो नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस है ना उनका। अब आप कहेंगे कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये डिपार्टमेंट ही ऐसा है जहाँ पे आपको दारू, सिगरेट ये सब मिलने ही वाला है, मतलब इन जनरल शॉर्ट भाषा में मैंने वही बोला दोस्तों, थोड़ी अजीब लगी होगी लेकिन सिंपली वही चीज़ है, जहाँ पे आपको अल्कोहल मिलेगा, सिगरेट्स, टोबैको हर एक चीज़ यूज़ करने को मिलता है गेस्ट को। सिंपल कंट्रोल सिस्टम फॉलो इन रेस्टोरेंट, जो कि कौन सा कंट्रोल सिस्टम रहता है वो रेस्टोरेंट में फॉलो किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है। अब आगे चलते दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर दूँ, तो पहला ही तो अब आते हैं दोस्तों, तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहला ही यूनिट नंबर वन का चैप्टर वन है मील्स एंड मेनू प्लानिंग्स। तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, पहले देखिए मेनू, मेनू का ओरिजिन कहाँ से हुआ, डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव क्या क्या है मेनू के। सेकंड में टाइप्स ऑफ मील्स पढ़ाए जाएंगे, मील्स में टाइप्स क्या क्या रहते हैं, आप बोलोगे मील्स में टाइप्स क्या क्या है, जिसमें ब्रेकफास्ट आता है जो कि मॉर्निंग, ब्रंच आता है, लंच आता है, आफ्टरनून टी आता है, फिर हाई टी आता है, फिर डिनर आता है, तो ये सब आपको पढ़ाए जाएंगे। फिर आपको टाइप्स ऑफ मेनू पढ़ाए जाएंगे, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद आते हैं, उसके बाद हमारा आता है दोस्तों अलाकार्ट, उसके अंदर ना दोस्तों हमारा आता है अलाकार्ट मेनू, एक सेकेंड, अब अंदर आता है, उसके अंदर आपको अलाकार्ट पढ़ाया जाएगा। मेनू प्लानिंग में अलाकार्ट क्या होता है, ताबलो तौत क्या होता है, साइक्लिक मेनू क्या होता है, बैंक्वेट मेनू अलग रहता है दोस्तों, कार्टेड डी ज्यूर या फिर प्लेट डी ज्यूर ये टाइप के मेनू होते हैं, कैलिफोर्निया मेनू, टेक अवे, ये सब आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। अदर्स मेनू प्लानिंग, तो अदर्स मेनू प्लानिंग में आपको क्या आएगा, चिल्ड्रेंस मेनू मतलब छोटे छोटे बच्चे उनके लिए क्या मेनू रख सकते, जो कि आप खुद का रेस्टोरेंट डालेंगे या फिर खुद का बैंक्वेट डालेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो ये आपके लिए आना चाहिए। क्लब मेनू हो गया, इथिक मेनू, हेल्थ मेनू, स्पा मेनू, वैदिक मेनू, ये सब भी आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आएगा प्रिंसिपल ऑफ मेनू प्लानिंग क्या हो क्या होता है, फिर ब्रेकफास्ट जिसमें इंग्लिश ब्रेकफास्ट, कॉन्टिनेंटल, अमेरिकन, इंडियन ब्रेकफास्ट, ये सब आपको बताया जाएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ टी सर्विस आएगा कि कितने टाइप्स के टी सर्विस किए जाते हैं, फुल टी, फुल आफ्टरनून टी हो गया, हाई टी हो गया, ये सब आपको बताया जाएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, तो सेकेंड यूनिट में हमारा एक सेकेंड थोड़ा थोड़ा चेंज हो जा रहा है, हाँ तो अब आगे चलते, तो सेकेंड यूनिट में हमारा फ्रेंच क्लासिकल मेनू सिखाया जाता है। ये क्या होता है दोस्तों, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक जगह फ्रेंच क्लासिकल मेनू पूछा जाता है, जिसमें सीक्वेंस एंड कोर्सेज सिखाए जाएंगे कि सीक्वेंस क्या क्या होती है, फिर कोर्सेज कौन कौन से उसके अंडर आते हैं, जनरल अकम्पनीमेंट सिखाया जाएगा कि जनरल अकम्पनीमेंट्स क्या होते हैं, आइसक्रीम सिखाया जाएगा, टाइप्स एंड कैटेगरीज ऑफ आइसक्रीम सिखाया जाता है कि ये कौन कौन से टाइप्स के और कैटेगरीज के होते हैं,
फिर आपको टोबैको सिखाया जाएगा। टोबैको क्या रहता है दोस्तों, आप सबको पता है, जिसमें सिगारो सिगरेट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ टोबैको, कितने टाइप्स के टोबैको रहते हैं, शेप साइज कलर ब्रांड नेम्स ऑफ कंट्री ओरिजिन, ये भी आपको इसमें बताया जाएगा। आप बोलेंगे ये सब क्या करेंगे, लेकिन ये आपको होटल इंडस्ट्री में जानना बहुत ज़रूरी रहता है दोस्तों। जब तक आप ओरिजिन नहीं जानोगे, कंट्री नहीं जानोगे, ब्रांड नेम नहीं जानोगे, तब तक गेस्ट को कैसे आप सामने से प्रपोज कर सकते हो कि सर ये इस कंट्री का है। अगर सडनली गेस्ट ने पूछ लिया कि इसका कंट्री कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे। तो इसके वजह से ये सब जानना ज़रूरत है। अब आता है दोस्तों नॉन अल्कोहलिक बीवरेजेस। नॉन अल्कोहलिक बीवरेजेस में आप देख सकते हैं, पहले तो डेफिनेशन आएगा बीवरेजेस का, फिर क्लासिफिकेशन चार्ट्स आएगा जिसमें अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स आएंगे। फिर सी में आएगा स्टिमुलेटिंग, जैसे टी कॉफ़ी जो अपने को फ्रेशनेस फील कराते हैं, उसका ओरिजिन आएगा। मैन्युफैक्चर मेथड ऑफ प्रिपरेशन टाइप्स एंड ब्रांड्स आएगा। फिर नरिशिंग आएगा जो कि हेल्थ ड्रिंक्स रहते हैं उसमें, रिफ्रेशिंग में जैसे जूस हो गया, स्क्वैश हो गया, क्रशेस हो गया, वो सब आएंगे। फिर टेबल वाटर आएगा लास्ट में। टेबल वाटर में क्या क्या रहते हैं दोस्तों, उसका ओरिजिन, टाइप्स एंड ब्रांड्स और कार्बोनेटेड वाटर, ये बहुत सारे टाइप्स के वाटर रहते हैं, तो वो सब आएंगे दोस्तों। अब इसके बाद आता है सिंपल कंट्रोल सिस्टम। सिंपल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है ये देख लेते हैं, जिसमें रेस्टोरेंट रिजर्वेशन सिस्टम पढ़ाया जाएगा, केओटी किचन ऑर्डरिंग टेकिंग सिस्टम पढ़ाया जाएगा, टाइप्स ऑफ केओटी और बीओटी आपको पढ़ाया जाएगा इसमें। अब आगे आगे दोस्तों, तो ये हाँ, तो यहाँ पे और उसके बाद मेथड ऑफ बिलिंग पढ़ाया जाएगा कि बिलिंग कैसे होता है, तो ये आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्लोसरी आ गया, तो ग्लोसरी में ये आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी ग्लोसरी है, जिसमें एबायोर है, आला कार्ट है, अल्गुइन्से है, अप्रेंटिस वाटर, अलामेड है दोस्तों। मैं इसका एक PDF बना के आपको देने वाला हूँ ई बुक्स में दोस्तों, तो वहाँ से आप डायरेक्टली ले सकते हो। उसका प्राइजिंग बहुत शॉर्ट रहेगा, क्योंकि प्राइजिंग रखना है ना दोस्तों, प्राइजिंग रखने का मेरा सिंपल कारण है कि आपको थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ बंदे ने मेहनत किया, तो उसको थोड़ा कुछ जाना चाहिए बस, नहीं तो फ्री में कर देता दोस्तों। इसके इस सभी का आपको मतलब ग्लोसरी मिल जाएगा बहुत आसानी से, बहुत जल्दी मैं देने वाला हूँ दोस्तों। उसके बाद थ्योरी हो गया, उसके बाद रेफरेंस बुक देख सकते हैं, एंड देन दोस्तों ये सब प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स है कि कौन कौन से आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, कि कौन कौन सा असाइनमेंट रहेगा। 13 क्लासिकल मेनू, फिर से प्लानिंग ऑफ अला कार्ट मेनू, स्पेशली रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप का प्रिपेयर करना पड़ता है। ये हमको करना चाहिए, असाइनमेंट करने का फ़ायदा रहता है दोस्तों, क्योंकि करेंगे ना तो हम लोग को एक एक्सपीरियंस बेस मिलता है। उसके बाद प्रैक्टिकल देख लेते कि सॉरी प्रैक्टिकल्स क्या क्या सेकेंड सेमेस्टर में हमको पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ से देखें मेनू प्लानिंग्स रहेगा पहले, तो मेनू प्लानिंग में आएगा प्लानिंग कंपाइलेशन ऑफ 4-5-6 कोर्सेज मेनू, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा आइडिया होंगे। आप थोड़ा स्मार्ट रहेंगे ना आप दोस्तों, तो बहुत ही आपको मज़ा आएगा। फिर ताबलोत मेनू क्या हो गया, टाइप्स ऑफ टेबल सर्विस, तो इसमें इतने टाइप के टेबल सर्विस पढ़ाए जाएंगे। पॉइंट टू बी कंसिडर वाइल वेटिंग एट द टेबल, मतलब कौन कौन से पॉइंट कंसिडर किए जाते हैं जब गेस्ट वेटिंग कर रहा हो टेबल पे। फिर से मेनू कवर हो गया, टेकिंग ऑर्डर, प्रोसीजर सर्विस, ब्रेकफास्ट, ये सब पढ़ाया जाएगा। फिर ब्रेकफास्ट रेट, ट्रॉली सेटअप, ये भी आपको इसमें पढ़ाया जाएगा सेकेंड सेमेस्टर में। तो ये हो गया दोस्तों। इसके बाद आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपको प्रैक्टिकल में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टेकिंग ऑर्डर हो गया, सर्विस पॉट, टी कॉफ़ी, मेनू कवर टाइप्स, ये भी हो गया, मेनू कवर, टेकिंग ऑर्डर, प्रोसीजर, हाई टी टेबल ट्रे, ये सब भी होगा। फिर से नॉन अल्कोहलिक बीवरेजेस के बारे में आपको पता करना पड़ेगा, जैसे कार्बोनेटेड सर्विस ऑफ कार्बोनेटेड हो गया, जैसे लाइम सोडा, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, रिफ्रेशिंग जूस, नर्सिंग मिल्सिंग, इनके बारे में आपको प्रैक्टिकली बताया जाएगा, समझाया जाएगा। प्रोसीजर ऑफ सर्विस टी क्या होता है दोस्तों, जिसमें टी बैग आते हैं, एनवलप आता है, कैमोमिल आता है, जैस्मिन, ये सब आपको बताया जाएगा। प्रोसीजर ऑफ सर्विस ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी का प्रोसीजर बताया जाएगा कि उसको कैसे सर्विस किया जाता है, जिसमें इंस्टेंट, प्लंगर, फिल्टर, कैपेचिनो, रिस रेतो, ये सब आएगा। फिर टोबैको आ गया दोस्तों, टोबैको में आपको सिगरेट सिगार के बारे में बताया जाएगा। फिर से सिंपल कंट्रोल सिस्टम आ गया, वेटिंग, मैनुअल फूड, मतलब KOT हो गया, सुवेंट हो गया, सप्लीमेंट्री ट्रॉल, इसके बारे में आपको प्रैक्टिकली बताया जाएगा। गेस्ट लेक्चर ऑन फूड एंड बेवरेज कंट्रोल पे होता है, आफ्टर लेक्चर स्टूडेंट रिक्वायर टू सबमिट अ रिपोर्ट, इसके बाद ये सब किया जाएगा दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं, ये सब प्रैक्टिकल वर्क है और इसमें मार्क असेसमेंट है। तो अब चलिए अपने वीडियो पे चलते हैं।
करते हैं और जिसमें मैंने आपके लिए एक थोड़ा सा सरप्राइज रखा है। जैसा कि आपने पूरा सिलेबस देख लिया, उम्मीद करूंगा कि ये सिलेबस आपको समझ में आया होगा और उसी के रिगार्डिंग आप पढ़ेंगे दोस्तों। अब आप बात करते हैं हमारी ई बुक्स की दोस्तों, तो मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया दोस्तों, उस लिंक से जाके आप अपना मतलब ई बुक्स चाहते हैं, ई बुक्स का मतलब क्या है दोस्तों, स्मॉल PDFs रहते हैं जिसको मैंने क्रिएट किया है पर्सनली आपके लिए, जिसमें मैंने आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखा है। जैसे आपको नोट्स चाहिए रहते, हर एक चैप्टर का छोटा सा नोट से 10 पेज का 20 पेज का, और उसका प्राइसिंग मैंने दोस्तों 20 रुपये से 30 रुपये बस रखे, वो भी दोस्तों प्राइसिंग में नहीं रखने वाला था, लेकिन बेसिकली जिसके हेल्प से मैंने बनाया है, मतलब मेरे एक फ्रेंड है उसने बनाया दोस्तों, तो उसको थोड़ा सा चार्ज देना रहता है, तो इसके वजह से मैंने उतना कम प्राइस रखा है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको वो पसंद है दोस्तों PDFs, और मैं अभी 2-3 PDFs फ्री करने वाला हूँ जिससे आप डाउनलोड करें, ईबुक्स डाउनलोड करें और मुझे सजेशन दें कि कैसा है कैसा नहीं दोस्तों। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ रहें दोस्तों। बाय बाय।